दोस्तों, मेरा नाम रियाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल रियाज चैनल। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों हम सभी के यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त और बहुत ही यूज़फुल फ़ोटो एप्लीकेशन के बारे में, फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप इस प्रकार के फ़ोटो बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, आपको इस तरह के आप आपके मोबाइल में फ़ोटो बना सकते हो। तो आपको इस तरह के फ़ोटो बनाना है आपके मोबाइल में तो इस वीडियो को आप आखिरी तक का जरूर देखना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से मैं आपसे गुजारिश करूँगा, वीडियो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक दोस्तों, और घंटे के बटन को भी दबा दो कि मैं जब भी आपको नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करने वाला हूँ कि आपके सभी के चैनल के 300 सब्सक्राइबर पूरे हुए। दोस्तों जो आपका चैनल है, आप सभी का ये दोस्तों जो आपके चैनल है टेक्निकल रियाज चैनल, उसके 300 सब्सक्राइबर यहाँ पर पूरे हो चुके हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपसे बहुत ही थैंक यू कहना चाहता हूँ दोस्तों, और मेरे को ऐसी सपोर्ट करते रहना आगे। तो चले दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे नए नए एप्लीकेशन लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का है, इंस्टॉल तो करने का है। तो इंस्टॉल करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएंगी। तो सिंपल तरीके से आपको वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेयर है बहुत ही सिंपल सा यार दिखाई देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना। जैसे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्रेम देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप फोटो बनाना चाहते हो। तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक फ्रेम यहाँ पे ले लेता हूँ, जो भी आपको पसंद आती है। यहाँ पे बहुत सारी फ्रेम है तो आप एक ले लो। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक फ्रेम ले लेता हूँ और उस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप जैसे गैलरी में रिटर्न हो जाएंगे। तो आपको गैलरी से क्या करना है दोस्तों, एक फ़ोटो को आपके पसंद करना। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो को यहाँ से पसंद कर लेता हूँ। तो पसंद करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे नीचे की साइड में आपको डन का बटन दिखाई दे रहा हूँ, तो आपके डन के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे डन के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जो आपका फोटो है यहाँ पे 3D लुक में बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, आप 3D लुक में मेरा जो फोटो है यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। तो आप नीचे से यहाँ से अलग अलग इसके जो फ्रेम है यहाँ पे चेंज करना है, 3D फ्रेम अलग अलग चेंज करना है। तो आप यहाँ से अलग अलग 3D फ्रेम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और दमदार फ्रेम है दोस्तों, आपको जैसी भी फ्रेम चाहिए वैसी फ्रेम यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे फ़ोटो देखे होंगे, आपने कभी ऐसे फ़ोटो एडिटिंग नहीं देखी होंगी, क्योंकि एक ही क्लिक में आपको इतनी ज़बरदस्त एडिटिंग मिल जा रही है और बहुत ही कमाल के ऐसे फ्रेम मिल जा रही है दोस्तों, कि आप आपके फ़ोटो में बहुत ही कमाल के ऐसे लुक डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें अलग अलग इफ़ेक्ट भी मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ फिल्टर मिल जाते हैं अलग अलग फिल्टर, फिल्टर करने के बाद आपको कोई भी इमोजी लगाना है तो इमोजी भी यहाँ से लगा सकते हैं आप। आपको जैसे भी इमोजी लगाना है वैसे इमोजी यहाँ पे आपको आप लगा सकते हैं दोस्तों, या अलग अलग इमोजी इसने दे दिया तो आपको जैसे भी इमोजी लगाना है तो आप वैसे ऐसे इमोजी यहाँ लगा सकते हैं यहाँ पे। और जैसे इमोजी लगाएंगे तो आपका जो फोटो का लुक है वो भी बढ़िया यहाँ पे दिखेगा। और आप कभी कोई टाइप करके यहाँ पे लिखना चाहते हैं दोस्तों, आपका नाम या कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से टाइप करके भी आप लिख सकते हैं, या उसकी जो राइटिंग है उसको फोल्ड करना चाहते हैं तो इस यहाँ से राइटिंग को भी फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग फोल्ड भी मिल जाते हैं आपको, और अलग अलग फोल्ड के साथ आप यहाँ पे आपका नाम और फोटो फ्रेम बना के आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेव करना है और सेव के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे जो आपका फोटो है यहाँ पे गैलरी में सेव हो जाएगा। और जैसे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से शेयर करने का ऑप्शन दे देगा, फेसबुक पे या कहीं पे भी आपको शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी आपको शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही कमाल के यहाँ पे फ़ोटो बना के रखा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो फ़ोटो बनाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल के फ़ोटो इसमें बने हैं दोस्तों। तो आप इसी तरह के आपके मोबाइल में भी फ़ोटो बना सकते हैं सिंपल तरीके से। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिली है तो वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लो, या आपको प्ले स्टोर में भी आसानी से मिल जाएंगी। क्रिएटिव कॉलेज एडिटर और इसके 1 मिलियन तक के डाउनलोड है और 4.2 की रेटिंग है दोस्तों, बहुत ही कमाल की रेटिंग है और मज़ेदार रेटिंग है। तो सिंपल तरीके से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इंस्टॉल करो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दो दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाते रहता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।